नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, इस हादसे को करीबन 24 घंटे हो चुके हैं और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने इसकी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में चूक मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बठिंडा पहुंचे हुए थे सीएम पीएम नरेंद्र मोदी और उनका काफिला फ्लाईओवर में 15 मिनट तक रुका हुआ था, 15 से 20 मिनट तक, जिसको लेकर उनकी सुरक्षा में चूक देखी गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने इसकी मांग की थी और चीफ जस्टिस से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की गई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा भी जांच कमेटी बनाई गई है, तो वहीं अमित शाह द्वारा भी जांच कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 10:30 बजे, ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ी ही खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह से आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ जानकारी आई है? देखिए, ठीक सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि आप इस याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को भी सर्व करें, जिसका मतलब यह है कि आज मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक कमेटी बनाए जो इस मामले की जांच करे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इंतजार 10:30 बजे का करना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। जी, और क्या ये सुनवाई वर्चुअली होने वाली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय सभी सुनवाई वर्चुअली हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आने वाले 6 हफ्तों तक सभी सुनवाई वर्चुअली होगी, क्योंकि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी सुनवाई को वर्चुअली कर दिया है। सुनवाई किस माध्यम से होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं। जी आशीष, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।